आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए कुर्सी को लात मारनी पड़ेगी। मायावती को उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि जब सदन में नहीं बोला गया तो उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, उससे बड़ी नेता हो गई। तो त्याग तो तीरथ सिंह रावत साहब, उनकी खुद की लड़की फिल्मों में काम करती है, मैंने 200 फोटो निकाली उनके कच्चे में और उनकी बेटी की कच्चे में। चाहता वो शादी होगी तो मांग क्यों नहीं भरी, शादी होगी तो बिछुए क्यों नहीं पहने, शादी होगी तो चूड़ी क्यों नहीं पहने, शादी होगी तो मंगलसूत्र क्यों नहीं पहने, क्यों? क्या तुम शादीशुदा ही दिखना चाहिए? एक काम और करते, तो एक काम और कीजिए कि माननीय साहब के कहने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 31 मार्च 1990 को भारत रत्न भी दिया गया। अब ये बात यहाँ महत्वपूर्ण बन जाती है कि वो सरकार जो कांग्रेस नमस्कार, आज हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर और मेरे साथ में है राहुल नागपाल जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हम सभी लोग यहां पर 4 महीने से किसान आंदोलन को कवरेज कर रहे हैं, लेकिन आज मैं किसान आंदोलन पर बात ना कर कुछ विशेष मुद्दों पर बात करना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और आज 4 अप्रैल है, तो मैं एक दिन पहले ले जाना चाहूंगी राहुल नागपाल जी, जिस तरह से पूरे देश को पता है कि 31 मार्च सन 1990 को इस देश के भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब को सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, तो किस तरह से देख रहे हैं कि एक जीते जी जब वो जिंदा थे तब तो इस सरकार ने भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन उनके मरणों उपरांत वो भी मेरे ख्याल से काफी साल बाद उनको इस सम्मान से नवाजा गया। तो क्या ये सम्मान बहुजन समाज या इस देश के लिए या बाबा साहब के लिए इतना महत्वपूर्ण रहा जितना उस समय होता जब उनके जीते जी दिया जाता? देखिए, दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। एक तो ये है कि 31 मार्च 1990 को बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। आपका सवाल है कि बाबा साहब की डेथ जो है वो 6 दिसंबर 1956 को हो गई थी, तो मरने के लगभग 30-35 साल के बाद में उनको भारत रत्न दिया गया। तो उनके उस समय की जो सरकारें रहीं, कांग्रेस की जो सरकारें रहीं, उसने क्यों नहीं सोचा कि बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाए, ये विचारणीय प्रश्न है। अब प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि 35 साल का समय गुजर जाने के बाद में ही याद क्यों आई, और उस समय कौन सी सरकारें थीं जिन्होंने भारत रत्न दिया। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि उस समय जो सरकार थी वो बीपी सिंह की सरकार थी। बीपी सिंह की सरकार ने ये तय किया कि डॉक्टर अम्बेडकर को हम भारत रत्न देंगे। बीपी सिंह के ऊपर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो बीपी सिंह ने दो काम बड़े महत्वपूर्ण किए? एक तो पहला कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया 31 मार्च 1990 को। दूसरा, जो मंडल कमीशन था जो भारतीय संविधान में उसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जब से उस समय ये कहा था कि पिछड़ों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, बैकवर्ड को भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो पटेल और ये जो सारी टीम थी तो उन्होंने ये कहकर के उसको नकार दिया था कि डॉक्टर अम्बेडकर आप अपने आरक्षण की बात कीजिए, ओबीसी के आरक्षण को जो है आप मत छेड़िए, इसको साइड में कर दीजिए। तो बाबा साहब ने कहा तो ठीक है, क्योंकि उस समय के जो ओबीसी नेता थे उन्होंने बाबा साहब का साथ नहीं दिया था, तो उसको संविधान में ये छोड़कर पिछड़ा आयोग बना करके छोड़ दिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अगर आप देखेंगे, उन्होंने जो कानून मंत्री रहते हुए जो इस्तीफा दिया था उसमें चार बड़े कारण थे। पहला कारण था कि जो हिंदू कोर्ट बिल था, हिंदू कोर्ट बिल में जो हिंदू महिलाओं को पुरुष के बराबर महिलाओं के अधिकार मिल रहा था, एक तो वो बड़ा कारण था। दूसरा ये कारण था कि जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो समझौता हुआ था कि जो हिंदू पाकिस्तान में रह जाएंगे उनको भारत में शिफ्ट किया जाएगा, तो उनमें से क्या था कि जो अपर कास्ट हिंदू थे उनको तो लाया जा रहा था, लेकिन जो ओबीसी समाज के हिंदू थे और जो दलित समाज के हिंदू थे उनको नहीं लाया जा रहा था। और तीसरा कारण ये था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है उसमें कि आपने पिछड़े आयोग का गठन नहीं किया है जिसके तहत ओबीसी समाज को आरक्षण मिलना था। तो आप समझिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कानून मंत्री पद से रिजाइन करने के 3-4 बड़े प्रमुख कारण थे, जिसमें से मैंने 3 आपको बता दिए। तो जो कारण था, अब यही 2 कारण हैं। एक तो कारण कि जब पिछड़ा आयोग नहीं गठित हुआ, बाद में पिछड़ा आयोग गठित हुआ, मंडल कमीशन बना, बीपी मंडल, उसके वो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको चेयरमैन बनाया गया, बीपी मंडल ने रिपोर्ट सौंपी, फिर 77 में उस पर चर्चा हुई, कुल मिला करके फिर ये काशीराम साहब आ गए राजनीति में, बीपी मौर्य के बाद में फिर और बहुत सारे लोग आ गए, रामविलास पासवान आ गए, रामविलास पासवान के बाद में ये अपना लालू यादव जी, ये पूरी शरद यादव जी की लॉबी तैयार हो गई। और बात ये तय हुई कि ये जो जनता दल बन रहा है, जनता पार्टी, जनता दल जो बन रहा है, इसको हम समर्थन तो देंगे, लेकिन इनको पिछड़ा आयोग जो अब मंडल कमीशन बन चुका है उसको लागू करना पड़ेगा। तो बीपी सिंह की सरकार ने सबसे पहले पिछड़ा आयोग जो है वो लागू किया, और दूसरा काम ये किया कि जब काशीराम ने कहा कि आपने एक काम और करते तो एक काम और कीजिए कि माननीय साहब के कहने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 31 मार्च 1990 को भारत रत्न भी दिया गया। अब ये बात यहाँ महत्वपूर्ण बन जाती है कि वो सरकार जो कांग्रेस की रही 35 साल में, उसने कभी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस लायक नहीं समझा कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दे, क्योंकि उसकी नज़र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कांग्रेस ने सबसे बड़ा गुनाह ये किया इस देश के अंदर कि डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ दलितों का नेता बना करके छोड़ दिया, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के नेता थे। तो ये कांग्रेस का पहला गुनाह रहा, और दूसरा गुनाह ये रहा कांग्रेस का, उसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। और ये दोनों काम बीपी सिंह की गवर्नमेंट ने किए, पहला मंडल कमीशन लागू किया और दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दिया। आपने हिंदू कोर्ट बिल की बात करी, तो हमारे दर्शकों को ये बताना चाहिए
हैं कि आखिर हिंदू कोड बिल क्या था और उसमें ऐसे क्या प्रावधान सुनिश्चित किए गए थे कि जिसके कारण उस समय महिलाओं ने ही इसका विरोध किया। देखिए, दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण सी है। आजादी के 73वें साल में हम लोग 72वें साल में हम लोग सफर कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब 2-3 साल पहले संसद भवन की चंद कदमों की दूरी पर भारतीय संविधान जला दिया गया धू-धू करके, उसमें आरएसएस और जो संघ के लोग थे जिन्होंने भारतीय संविधान को जलाया, तो भारतीय संविधान को जलाते वक्त जो नारे वहाँ लगे, जो वीडियो वायरल हुई, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर मुर्दाबाद, खास तौर से एक जाति को टारगेट किया गया, उस जाति को मुर्दाबाद के नारे लगे, आरक्षण मुर्दाबाद के नारे लगे, मनुस्मृति जिंदाबाद के नारे लगे, तो उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। तो आप उस समय की तो बात छोड़ दीजिएगा जब बाबा साहब और डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजाइन देते हुए मतलब महिलाओं ने विरोध किया था। आज़ादी के 73 साल के बाद में जब औरत पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गई, पायलट बन गई, इंजीनियर बन गई, आईएएस पीसीएस बन गई, जो उनको मालूम है कि आज जो तुम जो भी हो ये इस संविधान की वजह से हो, इस संविधान ने तुम्हें बराबरी का हक दिया है, वो आज संविधान जला रही है, तो आप समझ सकते हैं कि संविधान से और संविधान को लिखने वाले से, चाहे वो औरत हो चाहे वो पुरुष हो, उसकी मानसिकता अगर संघीय मानसिकता का है तो उसको नफरत है। राहुल नागपाल जी, ऐसी क्या बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो योगदान है भारत देश के लिए बहुत ज्यादा रहा है, और खासकर इस देश की महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, भाषा या जाति से आती है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक जातिवाद के तहत उनको नकारा जाता है, तो क्या कारण है इसके? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, हम ये तो चाहते हैं कि मतलब मेरा जो लड़का है, अगर मैं, मेरा 15 साल का बेटा है और वो छल के चल रहा था, कि वाह क्या बछड़े जैसी चाल है तेरी, और अगर 15 साल की लड़की बिना चुन्नी के निकल जाए तो अरे समझ तो बड़ी हो रही है, चुन्नी रख के नहीं चलती, तो ये हमारी दोगली मानसिकता है। ये हमारा जो देश है पुरुष प्रधान देश है, पुरुष हावी है महिलाओं पर, वो हर तरीके से महिला को मतलब एक तरीके से दबा के रखना चाहता है। जब वो बेटा होता है तो माँ पे नज़र रखता है, भाई होता है तो बहन पर नज़र रखता है, पति होता है तो पत्नी पर नज़र रखता है, बाप बन जाता है तो बेटी पर नज़र रखता है, वो उसको कंट्रोल करके रखना चाहता है, औरत को कंट्रोल करके रखना चाहता है। वो शादी होगी तो मांग क्यों नहीं भरी, शादी होगी तो बिछुए क्यों नहीं पहने, शादी होगी तो चूड़ी क्यों नहीं पहने, शादी होगी तो मंगलसूत्र क्यों नहीं पहने, क्यों? क्यों तुम शादीशुदा है दिखना चाहिए, और तू जो सांड घूम रहा है तेरी पहचान कैसे होगी कि तू शादीशुदा है, तू तो पैंट शर्ट पहनकर बाल बना के घूमे, तेरी भी तो पहचान होनी चाहिए। तो ये पुरुष प्रधान देश है, और पुरुष प्रधान देश में इस तरीके की मानसिकता जो है, हाल ही में आप उठा लीजिए जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत साहब, उनकी खुद की लड़की फिल्मों में काम करती है, मैंने 200 फोटो निकाली उनके कच्चे में और उनकी बेटी की कच्चे में और स्विमिंग पूल में नहाते हुए, लेकिन वो दूसरे की बेटियों में कमियां निकाल रहे हैं कि फटी हुई जींस पहनना जो है ये भारतीय की संस्कृति के खिलाफ है। वाह बेटा, अपना कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ये थोड़ी है कि तुम्हारी बेटी तो स्विमिंग पूल में नहाए और भारत की बेटी जो वो बुरखे में घूमे, तो ये तो संभव नहीं है ना, ये पुरुष प्रधान देश की कहानी है। राहुल नागपाल जी, जिस तरह से संविधान में पहला ही अधिकार दिया समानता का अधिकार, चाहे महिला हो पुरुष हो या किसी भी क्षेत्र या किसी भी भाषा हो, सबसे पहला अधिकार है समानता का, हम समानता स्थापित करें, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि संविधान के तहत ये कानून बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज कहीं ना कहीं जो पुरुष प्रधानता का वर्चस्व है वो भी हमें देखने को मिलता है। देखिए, मैंने पहले बता दिया कि महिलाएं पढ़ लें, लिख लें, कुछ भी बन जाएं, आईएएस बन जाएं, पीसीएस बन जाएं, लेकिन एक महिला आईएएस पीसीएस होने के बाद में वो ऑफिस में आईएएस हो सकती है, लेकिन घर में जब वो आएगी तो फिर जब अगर वो ससुर के पैर छुएगी ना तो फिर वो मामला चलने वाला नहीं है। पति के करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगी तो अरे पति तो मर जाएगा, बिना करवा चौथ के मेरी घरवाली तो नहीं रखती, मैं तो खड़ा हूँ अट्टा कट्टा। तो ये सोच है ना, सारे व्रत, अच्छा शादी से पहले 16 सोमवार के व्रत रखेगी लड़की, अच्छा पति मिलेगा, मांगने किससे जा रहे हो, बोले से, वो तो खुद ही दारू पीता है, खुद ही भांग पीता, मिलेगा कहाँ से भैया, कभी दारू के ठेके पर तुमने देसी की बिकता देखा है? तो ये क्या है कि हमने सोच जो महिला के ऊपर थोप दी है कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। कभी आपने पुरुष को देखा है कि तू दारू छोड़ दे, तू ये कर दे तो इस प्रकार से तू कर देगा तो तुझे अच्छी घरवाली मिलेगी? कभी कोई अच्छी घरवाली के लिए? अभी 2 दिन पहले एक त्यौहार गया होली, जिसको कि पूरे भारत देश ने बहुत ही धूमधाम से मनाया। अगर हम बात करें या इतिहास में जाकर देखें, होली का एक महिला थी और आज उसकी शहादत पर लोग जश्न मना रहे हैं, एक महिला को जिंदा जला दिया जाता है या उसके साथ में जो भी दुष्कर्म हुआ वो इतिहासकार लोगों ने पढ़ा भी और उसको निकाला भी है, लेकिन आज महिलाएं महिला होकर ही खुद इस तरह के जश्न मनाती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप मुझे? मैं वही कह रहा हूँ कि महिला महिला की दुश्मन हो रही है। आपने होलिका का जिक्र बहुत अच्छा किया, होलिका एक महिला थी, आपने उसका पूरा इतिहास पढ़ा, हमने पढ़ा, एक इतिहास तो वो जो पढ़ाया गया, एक इतिहास वो जो छुपाया गया। आज भी उस जमाने में होली जली होगी रात के अंधेरे में, जो अपने भतीजे को ढूंढने गई, उसके भतीजे के दोस्तों ने उसके साथ बलात्कार कर दिया, रात को जला दिया, सुबह धूल उड़ा दी, भाई राजा को पता ना चल जाए तो उसके साथ जो हुआ। तुम उस जमाने की, उस समय की बात कर रहे हो, सैकड़ों 100-200-500 साल पुरानी, अभी हाल ही में मनीषा वाल्मीकि का देख लो, रात के अंधेरे में बिना बाप आपको बता करके उस लड़की को ला करके पेट्रोल छिड़क करके जला दिया, वो दूसरी होली थी। ये इसी पुरुष प्रधान देश की कहानी है कि जहाँ एक लड़की का पहले बलात्कार होता है सामूहिक, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को उसके माँ बाप को नहीं सौंपा जाता और उसको रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क करके जला दिया जाता है, ये दूसरी होली है। जी राहुल नागपाल जी, हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर चर्चा करें तो इसी कड़ी में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि 1 अप्रैल सन 1935 को इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की, लेकिन कहीं ना कहीं ना तो इस सरकार ने सेलिब्रेट किया और ना ही हमने देखा कि जो अन्य समुदाय के लोग थे किसी तरह पर इस विषय पर चर्चा करते नजर आए, ऐसा क्यों? 1 अप्रैल 1935 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की थीसिस है
किताब है प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, पैसे की समस्या। तो वो जो समस्या है उस समस्या के आधार पर जब उस समस्या को पढ़ा तो उस समस्या के आधार पर भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अब आप कह रहे हैं कि उसको सेलिब्रेट नहीं किया गया, तो सेलिब्रेट करेगा कौन? सेलिब्रेट वो लोग करेंगे जो सरकार में बैठे। आप घर में, मैंने आपने अगरबत्ती जला दी, मैंने अगरबत्ती जला दी, मैंने मोमबत्ती जला दी, मैंने जय भीम के नारे लगा दिए, मैंने रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई, जिस रिजर्व बैंक में इस देश के गरीबों के अधिकार सुनिश्चित किए गए थे। आज आप देखेंगे कि सेलिब्रेट करने वाले जो लोग हैं ये वो लोग हैं कि जो डॉक्टर अम्बेडकर से नफरत करते हैं। तो कोई दुश्मन की जयंती नहीं मनाता इस देश के अंदर, जो जयंती मनाई जाती है, जो उत्सव मनाए जाते हैं, उन लोगों की मनाई जाती है जो अपने होते हैं। जी, इसी कड़ी में मैं चर्चा भी करना चाहूंगी 2 अप्रैल की, 2 अप्रैल सन 2018 की, जिस तरह से बहुजन समाज के लोगों ने पूरे भारत को बंद किया और उसका परिणाम भी दूसरे दिन देखने को मिला कि जो SC ST एक्ट था वो पूर्ण रूप से उसी रूप में स्थापित हो गया जिसमें पहले था। तो उसका भी हमने कहीं ना कहीं देखा, जब हमने लोगों से चर्चा की तो लोग इस पर बात करते हुए कतराते से नजर आए, ऐसा क्यों? देखिए, दो चीज़ है, उस आंदोलन में, उस आंदोलन में फ़र्क है। मैं हमेशा मुखर होकर के बोलता रहा हूँ इस विषय पे कि जब 2 अप्रैल को एट्रोसिटी एक्ट 1989 को लेकर के मुल्क बंद हुआ, भारत बंद हुआ, तो इस देश का जो दलित समाज है वो रोड पर लड़ रहा था, वो पूरे देश भर में। आज़ाद भारत में पहला अगर सबसे बड़ा भारत बंद हुआ तो वो 2 अप्रैल को हुआ, उसमें 13 बच्चे शहीद हुए। उसके बाद में तो जो दलित समाज है, दलित कम्युनिटी की जो जातियां हैं, वो रोड पर लड़ रही थी कि भी जो एट्रोसिटी एक्ट 1989 वो बहाल किया जाए। लेकिन संसद भवन में दलित समाज के नेता लड़ रहे थे, मायावती लड़ रही थी, रामविलास पासवान लड़ रहे थे, उदित राज लड़ रहे थे, रामदास अठावले लड़ रहे थे, ये वो तमाम नेता थे जो सरकार को घेर रहे थे और सरकार की बेचैनी बढ़ रही थी कि अगर हमने ये काम नहीं करा तो सरकार गिर जाएगी। अब तो इसलिए वो बात जो है बन गई, इसलिए वो जो एक्ट था वो पुराने स्वरूप में आ गया। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है कि हम किसान आंदोलन को लेकर के लड़ तो रहे रोड पर पिछले 4 महीने से, लेकिन एक भी नेता हमने हिंदूवाद हिंदूवाद के नारे लगाते हुए अपने सारे नेता हरा लिए। पहले तो हमने अपना सत्यानाश कर लिया, अपने घर में खुद आग लगा ली, अब घर में आग लगा कर जाकर बैठ गए दूसरे के घर में, अब दूसरे के मुखिया से कह रहे हैं कि हमारा ये काम करो, तो वो क्यों करेगा हमारा काम? तो इसमें फ़र्क इतना है कि हम लोग रोड पे तो लड़ रहे हैं लेकिन संसद में लड़ने वाले लोग हमने छोड़े नहीं। अजीत सिंह को हमने हरा दिया, जयंत चौधरी को हमने हरा दिया, जाट नेता जितने थे, किसान नेता जितने थे, उनको हमने हरा दिया, और एक दो नेता बचे हैं हरियाणा वगैरह में तो वो बीजेपी और उनकी गोद में बैठे हैं, उनको कोई मतलब ज़्यादा है नहीं, उनको पता आज मैं उप मुख्यमंत्री बन गया हूँ, दुष्यंत चौटाला को दोबारा बनूँ ना बनूँ 5 साल मजे ले ले कुर्सी के, तो वो कुर्सी से चिपके हुए लोग हैं। आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए कुर्सी को लात मारनी पड़ेगी। मायावती का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि जब सदन में नहीं बोला गया तो उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, उससे बड़ी नेता हो गई। तो त्याग तो करना पड़ेगा। अभी जो पहली बात तो जो जाटों के जो बड़े नेता थे, जो किसानों के बड़े नेता थे, जो त्याग कर सकते थे वो तो हमने हरा दिए, और जो त्याग नहीं कर सकते वो कुर्सी पे बैठे, उनसे उम्मीद क्या है? तो इस आंदोलन में और उस आंदोलन में सिर्फ इतना फर्क है। राहुल नागपाल जी, 4 अप्रैल है और जैसे कि 4 अप्रैल सन 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जर्मनी से पढ़ाई पूरी करकर वापस आए थे, और जब वो वापस आए, जैसे उन्होंने भारत में एंट्री की तो अंग्रेजों ने उनसे एक बहुत बड़ा सवाल किया कि बाबा साहब आप आते बाद में है लेकिन आपके जाने की तैयारियां या तारीख पहले आ जाती है, तो आप कितना पढ़ाई करेंगे और क्यों करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? ये महत्वपूर्ण बात है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, आप इस घटना से जुड़ी हुई घटना में आपके साथ और साझा कर लेता हूं कि जब 1943 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 लाख रुपए तो दिए थे बनारस विश्वविद्यालय को, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 3 लाख रुपए दिए थे, और 3 लाख रुपए दिए थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को। तो जो जब डॉक्टर अंबेडकर को ये बात पता चली कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंग्रेजी हुकूमत ने 3-3 लाख रुपए दे दिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी को और हिंदू मुस्लिम विश्वविद्यालय को, तो बाबा साहब ने लेटर लिखा कि भाई हम लोग कौन है, हमारी शिक्षा के लिए पैसा कौन देगा, तुमने मुसलमानों को भी दे दिया और हिंदू को भी दे दिया, हमको कौन देगा? तो उस समय की सरकार के साथ बैठकर डॉक्टर अंबेडकर ने जिक्र किया तो बाबा साहब से उसने कहा वायसराय ने कि आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, आपने तो 1 मिनट में हमें पकड़ लिया कि हमने पैसा दे दिया, आप तो अपने अधिकार के लिए लड़ गए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप मुझे क्या मानते हो? तो वायसराय ने कहा कि मैं आपको 500 ग्रेजुएट के बराबर अकेला मानता हूँ। तो ये जो बात आपने कही कि अंग्रेजों ने ये कहा कि आप कितना पढ़ोगे, उनको ये मालूम था कि एक अकेला अंबेडकर इस देश के 500 ग्रेजुएट से ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक कोटेशन है, आप सबको पता होगी, बाबा साहब ने कहा है कि अगर मैं इस देश के सिस्टम से लड़ पाया तो वो सिर्फ इसलिए लड़ पाया कि मैं इन सब लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इसलिए बिना हथियार बिना तलवार के मैंने इनको हरा दिया और 5000 साल की गुलामी को तोड़ करके तुमको मुख्य धारा में ला करके शामिल कर दिया, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे। जी राहुल नागपाल जी, 14 अप्रैल आने वाला कुछ दिनों बाद, तो इस देश की इस तमाम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था भारत जाति विहीन समाज बने, जातियां खत्म होनी चाहिए, भारत भाईचारे के आधार पर आगे बढ़े, जाति धर्म हमारा, धर्म हमारा अपना अधिकार है, मैं किस धर्म से संबंध रखता हूं मेरा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जाति के आधार पर हम किसी का शोषण ना करें, समता के आधार पर देश आगे बढ़ना चाहिए, समता मैत्री करुणा भाईचारा जो संविधान हमें सिखाता है उस संविधान के आधार पर देश आगे बढ़े, देश का लोकतंत्र मजबूत हो, देश का भाईचारा मजबूत हो, और लोकतंत्र रहेगा देश रहेगा संविधान
रहेगा तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे। बस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती अगर हम 14 अप्रैल को मनाने जा रहे हैं तो ये बड़ी बात है कि हम बाबा साहब का जो सपना है, बाबा साहब की कोटेशन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो आप शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, जैसे आज किसान लड़ रहे हैं, जैसे 2018 में दलित अपने अधिकारों के लिए लड़े, तो हम सबको लड़ना चाहिए अधिकार के लिए। बाबा साहब का यही सपना है। तो ये थे हमारे साथ में राहुल नागपाल जी, जिनसे कि हमने 14 अप्रैल या 1 अप्रैल या 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, खासकर ये पूरा अप्रैल का महीने पर हमने चर्चा की, क्योंकि जिस अप्रैल को पूरे देश में एक विशेष मुद्दे के कारण या एक विशेष बात के कारण जाना जाता है कि इस देश में 14 अप्रैल को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ था, जिन्होंने इस देश के संविधान को लिखा और उसी संविधान के मार्फत आज गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंह बॉर्डर हो या अन्य कोई भी बॉर्डर हो, किसान भाई अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पल पल की खबर पाने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिएगा बहुजन मीडिया के साथ। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक